दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले साउथ सुपरस्टार विशाल के रत्नम मूवी के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से कितना कलेक्शन किया। दोस्तों बात की जाए रत्नम के स्क्रीनिंग काउंट के बारे में तो इस मूवी को वर्ल्ड वाइड से 1100 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के फर्स्ट डे इंटरनेट कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने फर्स्ट डे इंटरनेट कलेक्शन किया था 2,50,00,000 रुपए का और साथ ही साथ दूसरे दिन कलेक्शन किया था 2,26,00,000 रुपए, तीसरे दिन 2,40,00,000 रुपए का और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने चौथे दिन कलेक्शन किया था 1,72,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 4 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका था 8,88,00,000 रुपए का और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 11,00,00,000 रुपए का और ओवरसीज कलेक्शन हो चुका था 1,60,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 4 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था 12,60,00,000 रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने पांचवें दिन कलेक्शन किया था 1,50,00,000 रुपए का और दोस्तों बात की जाए इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट है 21 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग काफी शानदार मिल चुकी है जो कि 8.8/10 की। दोस्तों आपको क्या लगता है साउथ सुपरस्टार विशाल की आने वाले दिनों में रत्नम मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर पाएगी या दम तोड़ देगी बॉक्स ऑफिस पर? दोस्तों आपने भी रत्नम मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और दोस्तों इस मूवी को 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट जरूर कर देना और दोस्तों इसी तरह से इस मूवी के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।